सुंदर लग रही हो। अरे भाई, दुल्हन को कौन ले जाएगा? मतलब अगर दूल्हा होता तो उसके साले ले जाते, तो क्या दुल्हन को हम ही ले जाएं? क्यों? अरे दुल्हन के जीजाजी हैं, देवर हैं, वो ले जाएंगे। क्यों? चलो ले जाओ। अरे हम भी तो दुल्हन के भाई हैं। दुल्हन का भाई क्या सिर्फ शरबत पिलाएगा? हमारा भी तो कुछ हक बनता है। नहीं तो कोई बात नहीं, तीनों शामिल हो जाओ भाई। चलो 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 चलो। अरे दूल्हे राजा, शादी का मुहूर्त आ गया। पीयूष, पीयूष अगर व्हील चेयर यहां पे है तो ये भाग तो नहीं सकता है। पीयूष, पीयूष बाहर निकलो, बता रहे। पीयूष, 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 अबे टूटी टांग से भागोगे साले साहब? देखो बता रहे हैं, दूसरी टांग पे कब बैठोगे? अबे चल उठो, उठो, उठो। नहीं जीजू। अबे उठो साले साहब। अबे अभी बहुत भारी होगा यार, खान बता रहे खा खाक भैंसा गए। अबे उठो, चलो सब इंतजार कर रहे हैं। अबे भैंसे देखते भारी होगा बे। चलो अगर नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं। थैंक यू, हम अभी बाहर जाके बम फोड़ देते हैं कि हमारे दूल्हे राजा ना हिलने डुलने को तैयार नहीं है। और फिर शादी तो इसी कमरे में कर लेंगे हम। हम अभी आते हैं बोल के। अभी रुक, हमारे बाहर अभी हमें व्हील चेयर पे तो बिठा दो। भूल गए थे यार, सॉरी सॉरी सॉरी। आम उठे आम उठा दूल्हे राजा बड़ा सही से कर दो एकदम। अरे बिल्कुल, अबे छोड़ दे, सब देखो चिढ़ा रहता है मोटा। चलो भाई इलाव जी जी, मुहूर्त आ गया दूल्हे राजा का। चलो चलो चलो। वरमाला की तैयारी की जाए। दीपू बेटा, अब आप दूल्हे को देख सकते हो। बस करम, कितना देखेगी? उठा थोड़ा फुर्ती दिखाओ क्या? उठो ना, अलसी आई बैठे। पीयूष जी आप उठिए मत, बैठे रहिए, कुछ दर्द हो रहा होगा ना? अरे दीपिका, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा हा? ये बस तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ना सारे नाटक कर रहे हैं। चलो उठो, माला डालो। अरे चलो भाई, देखते हैं कि पहले वरमाला कौन पहनाता है। हाँ, और मोटू तू तो झुकना ही मत। हाँ बेटा, जरूरत पड़ी तो हम तुमको उठा लेंगे,
पर किसी भी परिस्थिति में पीयूष को पहले वरमाला मत डालने देना बस। अरे उठाने की जरूरत ही नहीं मिश्रा जी, क्योंकि हम में से कोई पीयूष को नहीं उठाने वाला। ऐसे में तो शर्मा जी, फिर आपके बेटे को हमारी बेटी के सामने जिंदगी भर झुक के रहना पड़ेगा, सोच लीजिए। यही तो हम चाहते हैं। दीपिका बहुत समझदार है और बस वही एक है जो पीयूष को काबू में रख सकती है। चलो पहनाओ। अरे देखो तो दूल्हा कैसे शर्मा रहा है। अग्निकुंड में डाल दीजिए। मम्मी जी, हम है ना, हम करते हैं। एक मिनट। भाभी ऐसे तो आप थक जाएंगी ना, शादी बहुत लंबी होती है। कोई बात नहीं मेघना, शादी का मतलब ही ये होता है ना कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने, इसलिए हम ये कर रहे हैं और जिंदगी भर यही करते रहेंगे। क्या बात है शर्मा जी, बड़े किस्मत वाले हो आप, जो आपको ऐसी बहू मिली है। अरे किस्मत वाला तो हमारा ये सुपुत्र है। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पर पंडित जी, हम फेरे कैसे लेंगे, हम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए। अग्नि के समक्ष सात फेरे अगर नहीं लिए जाएंगे तो ये विवाह संपन्न ही नहीं होगा। पंडित जी, क्यों ना हम पहले गठबंधन की रस्म पूरी कर ले और फिर फेरों के वक्त हम इन्हें धक्का मार लेंगे। नहीं दीपिका, वो धक्का